प्रदेश के निकाय चुनाव में जिन सभी मेयरों ने जीत हासिल की है उनके साथ पीएम मोदी ने पीएम हाउस में चाय पर चर्चा की है, और उनमें से एक इलाहाबाद से जो बीजेपी के मेयर हैं अभिलाषा जी, वो हमारे साथ हैं। अभिलाषा जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पीएम के साथ आमने सामने बैठ के इंटरेक्शन करना? बहुत ही अच्छा रहा, और मैं पहले भी मेयर रही हूँ, ये सेकंड टाइम है मेरे लिए, और तब मैं इंडिपेंडेंट थी, अब मैं पार्टी से हूँ, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही हमारे यहाँ प्रोग्राम में आए थे, संगम नगरी है हमारी, लेकिन इतना अनुभव, जितना बेहतर अनुभव आज हुआ, उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने जो टिप्स दिए हम लोगों को, स्वच्छता को आगे बढ़ाइए, शहर स्वच्छता से ही शहर दिखाई पड़ता है, और जमीनी स्तर पे काम किया जाए। वो जमीनी स्तर पे जब आप काम करेंगे तभी प्रदेश और देश की सरकार दिखाई पड़ती है, और तभी वो उसका लगेगा कि प्रदेश और देश की सरकार शहरों में काम करके और सहयोग प्रदान कर रही है। तो इस तरह के उन्होंने केवल बात कही और आशीर्वाद दिया, और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज उनसे हम लोगों का इस तरह सामने बैठकर बात हुई। ऐसा सौभाग्य तो हम लोग कभी नहीं, बहुत खुश हैं हम लोग कि उनका, हम लोग को तुरंत मेयर बनते ही उनका सौभाग्य प्राप्त हुआ। इलाहाबाद से बीजेपी के मेयर अभिलाषा गुप्ता, और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से पीएम ने टिप्स दिया है उसका सीधे तौर पर इन लोगों को फायदा होगा, और उन्होंने कहा है कि आगे भी आप न सिर्फ गुजरात में पार्टी के लिए काम करें, प्रचार करें, बल्कि आने वाले समय में और भी, जब खासकर यूपी जहां से वो जीती है, वहां भी बेहतर काम करें ताकि पार्टी को इससे फायदा हो सके। कैमरामैन संदीप लोहिया के साथ सुमंत कुमार, APN दिल्ली।